हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। जलफा हिंदी पे आपका स्वागत है। आज कर्नाटका के यहाँ पे जो भाजपा की सरकार है उनके एक मंत्री कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर ईश्वरप्पा, आज उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि वो मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं वो देशभक्त हैं, और बाकी जितने मुसलमान हैं वो सारे पाकिस्तान को फेवर करते हैं। ये सुन के मैं भी चौंक गया। ये एक बहुत ही एब्सर्ड किस्म का और बेहुदा स्टेटमेंट। ये हमारे मुसलमान भाइयों की देशभक्ति के ऊपर शक करने जैसा, यानी कि उनको पाकिस्तानी ब्रांड करना। यही नहीं, ये लोग अभी इस हद तक पहुंच गए हैं कि जो बीजेपी को वोट करते हैं भारत में, चाहे वो किसी धर्म के हों, वो सारे के सारे तो देशभक्त हैं और बाकी सारे देशद्रोही हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं। अभी अनंत हेगड़े जो कि सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, वो भी कर्नाटका से हैं, उन्होंने भी कहा, एक आईएएस अफसर ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आके रिजाइन कर दिया कि आप पाकिस्तान चले जाओ। किस किस को पाकिस्तान भेजोगे साहब? आप हिंदुस्तान की 70% जनता को पाकिस्तान भेजोगे? 35-37% ही वोट मिले ना आपको, मेजोरिटी ने तो आपको वोट नहीं किया ना। ठीक है, सीटें जीत गए हो, वोट तो नहीं मिले ना, तो क्या करें, पाकिस्तान चले जाओ सारे क्या? ये कौन सा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप? कौन से बीज बो रहे हैं, तोड़ रहे हैं क्या? और सेंट्रल लीडरशिप से ये बात कीजिए, वो तो एक तो स्टेटमेंट नहीं देते, और कभी सिर पे ऊपर से बात गुजर जाए तो कहते हैं पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं, ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि सब एज ए डिजाइन किया जा रहा है। ये जानबूझ के, ये जैसे गिरिराज सिंह है या ईश्वरप्पा है या अनंत हेगड़े हैं या ऐसे बहुत सारे और एलिमेंट हैं, साक्षी महाराज भी हैं, जिनसे कहा जाता है कि आप ऐसे स्टेटमेंट दो और समाज के अंदर दरार पैदा करो। भारत टूट जाएगा साहब, ऐसे भारत अंदर से टूट चुका है, सिर्फ बाहर से ठीक ठाक लग रहा है। आपने सामाजिक दीवारें पैदा कर दी हैं, आपने धार्मिक दीवारें पैदा कर दी हैं, आपने जातीय दीवारें पैदा कर दी हैं। इंडिया एज ए स्टोरी इज गेटिंग यू कैन से क्रैक्ड। ये आप क्या कर रहे हो, रोज रोज के क्या स्टेटमेंट दे रहे हो? तो क्या भारत में रहने वाले जो बीजेपी को मुस्लिम्स वोट देते हैं, 1 करोड़ देते होंगे 15-16-17 करोड़ में से, तो बाकी देशद्रोही हैं क्या? वो पाकिस्तानी है क्या? वो 67% लोग जो 67% जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो कौन है? वो ट्रेटर्स है, देशद्रोही है क्या? ये लोकतंत्र है, कुछ और है? कौन सा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप? कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप? कौन से हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हो? क्या भाजपा और आरएसएस मिलकर तोड़ देना चाहते हैं क्या? कौन से बीज बो रहे हो आप? नफरत के बीज हैं ये, मत कीजिए, मत तोड़िए इस देश को। भाषा के नाम पे भी ये कर रहे हैं आप। तमिलनाडु इस टाइम जल रहा है, ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे, और वहां के एक मिनिस्टर ने कहा भी है, एक पुराने मिनिस्टर थे शायद वाइको है कौन है, कि आप बाल्कनाइज कर रहे हैं इंडिया को। नहीं समझ आता कहीं भी, क्या करें साहब? पता नहीं कौन सा इंडिया इमर्ज हो रहा है। ये इंडिया होगा बहुत कमजोर होगा साहब, ये इंडिया आपका आइडियल इंडिया नहीं होगा साहब। ये इंडिया अंदर से टूट रहा है धीरे धीरे, ये भुरभुरा रहा है, इसको दीमक लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा, प्लीज मत तोड़िए इस देश को, एक ही रहने दीजिए, मत दीजिए ऐसे बेहुदा स्टेटमेंट, एब्सर्ड स्टेटमेंट। ये एक डिजाइन के अंतर्गत आप कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने।